नमस्कार दोस्तों, टारगेट एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं गजानन जगरवाल। आज हम लेके आए 10% ऐसे 10% जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। यदि आपने इनमें 7% सही कर दिए तो आप सीरियसली तैयारी के साथ जुड़े हुए हैं, नहीं तो आपकी तैयारी जो है वो अधूरी है, आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। हमारा चैनल है टारगेट एजुकेशन क्लासेज। टारगेट है तो मुमकिन है, यदि आपके पास अपना टारगेट है, लक्ष्य है और आप उसके अनुसार मेहनत कर रहे हैं तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसे वीडियोज आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी महामारी और स्थानिक एपिडेमिक या एंडेमिक दोनों प्रकार की बीमारी है? टाइफाइड, हैजा, पोलियो, खसरा। तो एपिडेमिक और एंडेमिक क्या होता है? एंडेमिक यानी स्थानिक बीमारी वो होती है जो किसी स्थान जगह पर होती है। एपिडेमिक महामारी वो होती है जो कि किसी देश में होती है, और हाल ही में कोरोना वायरस जो कि पेंडेमिक है जो कि पूरे विश्व में फैली हुई है, लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है एपिडेमिक और एंडेमिक, तो ये हैजा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हैजा, जो है वो महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों जो है वो हाइड्रोजन के आइसोटोप है, तो आंसर डी हो जाएगा। डिस्कशन करते हैं इनके ऊपर थोड़ा सा। प्रोटियम 1H1 होता है, ड्यूटेरियम 1H2 या डी ट्राइटियम 1H3 होता है। ये यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा H1H1, और इसी तरीके से 1H2 और 1H3 लिखा जाएगा। अब बात करते हैं आगे। तो प्रोटियम में जो होता है, एक परमाणु संख्या की अगर हम बात करें तो एक होती है, और द्रव्यमान संख्या भी कितनी होती है? वन, इसलिए होता है 1H1। जबकि हम बात करें ड्यूटीरियम की, ड्यूटीरियम को भारी हाइड्रोजन भी कहा जाता है, और उसमें जो परमाणु संख्या एक होती है और द्रव्यमान संख्या दो होती है, इसलिए हाइड्रोजन 1H2। और इसी तरीके से जो ट्रिटियम होगा उसकी परमाणु संख्या एक होती है और द्रव्यमान संख्या तीन होती है, तो उसको लिखा जाता है हाइड्रोजन 1-3। तो ये तीनों में याद रखने, और तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप से ये एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से किसमें अधिक ताप है? बर्फ, उबलते पानी, भाप, उपरोक्त सभी। तो बर्फ तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाती है तो वो तो कम तापमान हो गया। उबलते हुआ पानी लगभग 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और जब सारा पानी भाप में बदल जाता है तब फिर तापमान बढ़ना स्टार्ट होता है। तो सबसे ज्यादा तापमान किसमें होगा? भाप में होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आंसर सही हो जाएगा। तो कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का, गति का, ऊष्मा का, द्रव्य का। तो देखिए, विभवांतर वी बराबर होता है डब्लू बटा क्यू, तो डब्लू बराबर हो जाएगा वी क्यू या क्यू वी। क्यू होता है आवेश जिसको हम लिखते हैं ई, और वी होता है वी, तो यानी कार्य का मात्रक हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कार्य क्या होती है? ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक हो जाएगा? ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए। पांचवा जो क्वेश्चन है वो है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तेज गति द्वारा, विकिरणों द्वारा, तरंगों द्वारा, कम गति के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विकिरणों के द्वारा, जो है वो सूर्य की ऊर्जा जो ऊष्मा जो है पृथ्वी तक पहुंचती है। छठा प्रश्न है, फुहारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कोशिका सिद्धांत पर, बर्नौली सिद्धांत पर, न्यूटन के सिद्धांत पर, हैग्रो के सिद्धांत पर। तो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर जरूर बताना है। मैं बता देता हूं, इसका जो आंसर होगा वो होगा बर्नौली के सिद्धांत पर फुहारा जो है वो कार्य करता है। तो अगला जो क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? यकृत, दीर्घ अस्थि, अग्नाशय, तिल्ली। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दीर्घ अस्थि, जो लसिका कोशिकाएं हैं वो दीर्घ अस्थि में बनती है।
आठवां जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्ध अवस्था में लुप्त हो जाती है? वृद्ध अवस्था आती है वो ग्रंथि लुप्त हो जाती है, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस। तो इसका जो सही आंसर है वो थाइमस, थाइमस ग्रंथि जो होती है वो वृद्ध अवस्था में लुप्त हो जाती है। नवा क्वेश्चन है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है आंतरिक तनाव, पृष्ठ तनाव, घर्षण या बाहरी तनाव। तो देखिए जो इसका आंसर तो हो जाएगा पृष्ठ तनाव। होता क्या है, जो सतह द्रव जो होता है और द्रव की जो सतह होती है वो एक गुण रखती है, और वो गुण क्या होता है कि वो अपनी सतह का आकार है वो छोटा करना चाहती है, और छोटा करने के कारण ही जब हम ब्रश को बाल्टी में डुबोएंगे या पानी की बाल्टी में डुबोएंगे तो जो सतह वाले जो सतह के जो अणु हैं वो उस ब्रश से चिपक जाते हैं और वो अपना आकार छोटा करना चाहते हैं, इसलिए ब्रश भी जो हो जाता है वो चिपक जाता है। तो पृष्ठ तनाव के कारण शेविंग ब्रश के बाल चिपक जाते हैं। तो आंसर बी इसमें सही हो जाएगा। आयाम का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? जूल, केल्विन, मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए हम ये डायग्राम समझते हैं। ये डायग्राम क्या है, ये कोई दृढ़ आधार है, इस दृढ़ आधार पे ये रस्सी हमने बांधी हुई है, ये रस्सी हमने बांधी हुई है और फिर इस रस्सी को हम हिला रहे हैं, तो ये इस तरीके की आकृति बन रही है। तो आयाम क्या होता है, आयाम होता है इस माध्य अवस्था से कितना ऊपर की तरफ विस्थापन हो रहा है, और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो आयाम का मात्रक होगा मीटर। तो ये आंसर सही हो जाएगा सी इसका। तो ये आज के हमारे 10 क्वेश्चंस थे। आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कैसी आपकी तैयारी है। अगर 7 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन मिनिमम आपके सही होने ही चाहिए, अगर नहीं हो रहे तो हमें दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत हमें डबल करनी है। मेहनत अगर हमारी डबल होगी तो हमें निश्चित ही सफलता मिलेगी। तैयारी में जोर रखिए ताकि रिजल्ट आपका बिल्कुल आपके अनुसार आए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे वीडियोज़ हम और लाते रहेंगे। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।